लिखने का ही नहीं काम खत्म हुआ अभी तक। भक्ति भी तो दिया हुआ है। तू बोलती कल रिवाइज ही करा है। चैप्टर पढ़ाया था। हैंसी तूने नहीं मानना ना। पैरों में डाल ले कुछ डाल ले। हाँ लगेगा ना पैरों में कुछ फिर लगेगा पता। अच्छा होता है। चप्पल डाल पैरों में ना। सुनो तेरे को चली जाए ऐसी तो जाती तेरी बॉल और कैसे जाती है। ऐसे ही जाती है। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। कितनी अच्छी धूप लगी है। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं मेरे पीछे। तो वैसे आई क्यों थी। मैं आपको लेनी। मेरे को जैसे खाता है कोई। आज मेरे को लेने ही पहुंच गई इधर ब्रेड लेनी। अच्छा मेन रीजन ही है ब्रेड ही खा। तू रोटी मत खाना तो वो ब्रेड लेनी। हाँ फिर तू रोटियां खाती नहीं वो रोटी ऐसी रह जाती है पड़ी हुई। सब्जी रोटी खाने के मत ला इसको। वैसे भी जाने वाला है बेचारा थोड़े दिनों में। तनिया ऊपर से देख फट गई है वो ऊपर जहाँ तुमने पकड़ा हुआ है वो देख साइड साइड। हाँ जी कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो ये जो फीटर की वाइफ है ना आंटी ये इन्होंने लगाए हैं कद्दू। और कद्दू एक कद्दू सड़ भी गया था उसमें ना। तो चार पांच कद्दू थे जो बहुत बड़े बड़े इन्होंने होने दिए मतलब बीज के लिए रखते हैं ना। तो ये इन्होंने मुझे देने के लिए निकाला था। तो बोलते मैं यहाँ से रख देती हूँ तो मेरे को तुम्हें देने को ठीक रहेगा भारी बहुत नहीं उठाया जाएगा। तो बेचारे ये वो कर रहे थे। और यहाँ पे देखो ये एक ना कद्दू ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से कद्दू निकालेंगे जो ख़राब हुआ हुआ है और उसको जो है साइड में रख देंगे क्योंकि बीज तो इसके सारे काम आते ही हैं। और अभी पक चुका था ये लेकिन मुझे लगता है शायद कीड़ा लग गया होगा उस वजह से ख़राब हो गया है। और यहाँ जो है मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। बोलते कि मैं आती हूँ तो तुझे मैं दे जाती हूँ आके खुद। और साथ में फिर वो दूसरे छोटे वाले खेत में भी आ गए जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया भी है जहाँ से मैं एक दिन भिंडी तोड़ के लाई थी फिर फ्रांस बीन तोड़ के लाई थी। तो यहाँ जो है ये लाए हुए हैं पौधे कुछ टमाटर के और पता नहीं किस किस चीज़ के हैं। तो ये बाहर फूलों के साथ इन्होंने तीन और क्यारी में छोटे छोटे बना के रख दिए हैं। और ये है वो कद्दू जो उन्होंने मुझे दिया ना आंटी ने। और ये फ्रांस बीन ये अपने खेत की है। ये बेल वाली है एक दूसरी पौधे वाली होती है ये बेल वाली है। तो ये आज शाम को मैं अभी बनाऊंगी इसको अभी धो लूँगी पहले। और बर्तन बहुत सारे हो गए थे उसके बाद चाय वाले और तो बस इनको धोऊंगी साथ साथ और सब्जी को तड़का भी लगाऊंगी साथ साथ। और ये बर्तन मुझे अभी सारे रखने हैं अंदर। पहले मैं फ्रांस बीन को धो लूँगी क्योंकि ये फ्रांस बीन खेत से लाई हुई है धोई नहीं है। तो बस यहाँ इनको साफ़ करके और ये बहुत ताज़ी ताज़ी जो होती है ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और जो पौधे वाली होती है वो थोड़ी सी अलग होती है और ये बेल वाली है तो ये वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ जो है मैंने सब्जी सब्जी काटनी शुरू कर दी है और साथ में जो मैंने कहा पहले काट भी लेती हूँ और साथ साथ तड़का भी लगा लूँगी। ऐसी ऑयल गिर जा रहा था ऊपर मैं बोल रही हूँ कहीं नहीं हो और फिर मैं को ऑयल चलेगा दो दो लिख नहीं गया था लिख दूँगा आपने सिर्फ ऐसे बोला सूर्य मैं बोलूँगा सूर्य हर रह सूर्य मैं बोलूँगा सूर्य सूर्य बोलने वाली इसलिए तेरे को बोल रही हूँ तो भी पढ़ना तो पढ़ ले तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा ना। नहीं मैं क्यों बोलूँ आपको इतना से बोलने सूरत में बोलूँगा सूर्य उसका अगर मैं देते रहूँगा जवाब ठीक है मैं लिख रही हूँ ना तो तुम्हें भी लिख के ही आंसर करना है। चांद चंदा चंद्रमा
माला, ही माला। तो यहाँ जो है कुकिंग भी हो रही है और हैंसी की पढ़ाई भी करवा रही हूँ मैं साथ साथ, क्योंकि इसके लगे हैं टेस्ट और मेरे को इसकी टेस्ट की तैयारी करवानी है और बहुत अच्छे से करवाते हैं इसकी मैम। तो साथ साथ जो है मेरा काम भी चला हुआ है, मुझे तड़का लगाना है और मेरे को इसकी तैयारी भी करनी है साथ साथ। तो यहाँ कट रहे हैं प्याज, साथ में कटेगी लहसुन और बीच बीच में इसकी शरारतें चलती रहती हैं, तो बस मैं भी कर रही हूँ साथ साथ में काम, रोज़ का यही रूटीन होता है। तो यहाँ जो है यहाँ लग रहा है तड़का और ये है जी मैं मतलब प्याज वगैरह भून चुकी थी और साथ में टमाटर और मसाले में डाल चुकी हूँ और ये है अपने खेत की फ्रांस बीन और साथ में आलू, आलू अपने खेत के नहीं है भाई, ये बाजार के हैं। तो बस यहाँ आज ये बनाया है आलू फ्रांस बीन, जो घर की सब्ज़ी होती है वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ बस सब्ज़ी बन गई है, दाल मेरे पास पड़ी हुई है कल की तो मैं नहीं बनाऊँगी आज, और साथ में बनेगी चपाती, आज चावल भी नहीं बनाने हैं। कैनी राइड है सजीव, अच्छे ही नहीं क्या अम्मी? क्या हुआ? इफ यू कैन ही राइट है सजीव, अच्छे ही नहीं। मैं फिर से खोलू जरा, ये मम्मी बना रही है खाना। मैं दूर दूर रहता, ये मम्मी कर रही है और अभी खाना बना रही है। तो ये है रात का टाइम, कुछ सात और हम बना रही है व्लॉग। मम्मी काम कर रही है, सब उनकी भी वीडियो बना देता हूँ। हाय एवरीवन, तो जी अभी है रात का टाइम, शाम का ही समझ लो, रात का समझ लो, 7 बजे हैं अभी और सब्जी मेरी बन गई है, बस मैं आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और ब्लॉग की कर देते हैं यहाँ पे एंडिंग। आज ब्लॉग शायद फिर से लेट आए क्योंकि जो पिछला ब्लॉग था वो भी बहुत लेट अपलोड हुआ था, मैंने अपलोडिंग पे तो लगा दिया था पर आजकल नेट की प्रॉब्लम कुछ चली हुई है तो वो अच्छे से अपलोड नहीं हो पाता जल्दी से, पहले तो हो जाता था जल्दी लेकिन आजकल शायद कुछ जियो वालों की प्रॉब्लम चली हुई है। तो कैसा लग रहा आपको ब्लॉग, कैसे लग रहे हैं मुझे बताना, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो भी और नहीं लग रहे हैं तो भी कमेंट में, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं क्या कर रहा है किसे पूछ के ले जा रहा है? सॉरी लेके जाने दो ना, हैं ड्रॉप में तो बड़ा करता है, आपके बारे में रख के जाऊंगा। हां रख दे, पैरों में रख दे, चला जा, छोड़ दे प्लीज, चल जा यहां से, चला जा नहीं तो मैं बहुत मारूंगा। ठीक है फोन ही चाहिए इसको, बस फोन ही चाहिए जब देखो तब, फोन के लिए तो इसको चाहे कुछ भी करना पड़े। वो क्या थे मैंने तेरे को बोला करने को,
तो अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जितना मुझे टाइम मिल पाता है, जितना भी थोड़ा बहुत, तो मैं वीडियोस बना रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, और मेहनत तो अभी जारी रहेगी। मेहनत तो पता नहीं कितना टाइम तक रहेगी, और लोगों के पता नहीं कैसे कैसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं, क्या ही डाला होता उन्होंने कुछ के, तो आपको पता ही है कंटेंट कुछ होते नहीं है, लेकिन फिर भी हिट हो जाते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, हमारा जो है डेली का हम वो डालेंगे। और चलो फिर, आप सभी को शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, और जितना हो सके अपनों का ख्याल रखें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं फिर आपसे कल। तब तक के लिए।